हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के अकेडमी चैनल। आज मैं एमपीजीएस का पार्ट फोर लेके आया हूँ। अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड को देखा है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, मध्य प्रदेश का समान परिचय के बारे में बात किया था। यदि आपने अभी चैनल को लाइक या शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया मेरे प्रयासों के लिए, मेरे एफर्ट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं एमपी जीएस का इंट्रोडक्शन का पार्ट फोर। नेक्स्ट, लोकसभा सीट। लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में 29 है। देर आर 29 सीट्स ऑफ लोकसभा इन मध्य प्रदेश। जैसे कि आपको पता है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम कंस्टिट्यूट्स थ्री मेन पार्ट्स। पार्लियामेंट में तीन बॉडी हैं, तीन अंग हैं। फर्स्ट इज लोकसभा, सेकेंड राज्यसभा, एंड थर्ड प्रेसिडेंट। तो अगर मैं लोकसभा की बात करूं, ये आपका लोअर हाउस है। लोअर हाउस में टोटल 545 सीट्स हैं। और राज्यसभा आपकी अपर हाउस है, इसमें 245 प्रेजेंटली सीट्स हैं। और प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एक अंग है, पार्ट है। बिकॉज इफ द बिल पास फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, if it is not signed by president, then it can never become an act. तो लोकसभा में पहले बिल पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट की साइन के बाद यहां पे आपका बिल एक्ट बन जाएगा। अब यहां से 545 सीट्स में से लोकसभा मध्य प्रदेश की 29 सीट्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। राज्यसभा की बात करूं, अपर हाउस की बात करूं, देयर आर 11 सीट्स ऑफ अपर हाउस। टोटल सीट्स जो है आपके भारत में या संविधान के संसद, जो संविधान में बताया गया, संसद में बताया गया, वो 245। तो राज्यसभा में 245 सीट्स है और उनमें से 11 सीट्स राज्यसभा की मध्य प्रदेश से हैं। नेक्स्ट इज स्टेट असेंबली सीट। देयर आर 231 सीट्स ऑफ स्टेट असेंबली। इसे कहते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा। 230 सीट्स आर इलेक्टेड एंड 1 सीट इज नॉमिनेटेड। 230 सीट पे निर्वाचन होता है और 1 सीट पर मनोनीत होती है। तो 1 सीट जो मनोनीत होती है वो राज्यपाल करता है। इट इज डन बाय गवर्नर। सेम थिंग ही इज हैपेंड इन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 2 सीट्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन एंड 12 सीट्स फ्रॉम राज्यसभा। बट इन गवर्नर हैज सम पावर बिकॉज वी आवर कंट्री और आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अ फेडरल स्ट्रक्चर टू अवर कंट्री, जहां पे डिवीजन ऑफ पावर है। तो गवर्नर भी स्टेट राज्यों का एक, आप कह सकते हैं, मालिक की तरह है। ही इज अ हेड ऑफ द स्टेट, दैट्स व्हाई वी से दैट इट हैज सम पावर, सो इट कैन नॉमिनेट 1 पर्सन। नाउ नेक्स्ट इज एमपी हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय ये जबलपुर में है। जैसा कि हमारे संविधान में इट हैज बीन मेंशन्ड दैट एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट, एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट एंड एमपी हैज आल्सो अ हाई कोर्ट। सो एमपी हाई कोर्ट्स हेडक्वार्टर इट इज इन जबलपुर। ओके, नेक्स्ट लोकसभा सीट रिजर्वेशन। लोकसभा सीट रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट इज 4 एंड शेड्यूल ट्राइब इज 6। सो अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे एमपी में भी रिजर्वेशन का प्रावधान है, जैसा कि हमारे संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया है, टू ब्रिंग द माइनॉरिटीज, टू ब्रिंग द बैकवर्ड क्लास, टू ब्रिंग द एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लास टू द मेन स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमी। तो उनके लिए हमने ऐसी व्यवस्था की है ताकि उनका उद्धार हो सके, उनका विकास हो सके। उसमें शेड्यूल कास्ट को 4 सीट है, शेड्यूल ट्राइब को 6 सीट है।
एमपी हाई कोर्ट बेंच, एमपी का हाई कोर्ट का जो बेंच है वो इंदौर और ग्वालियर में है। इंदौर और ग्वालियर में बेंच क्यों बनाया गया है? हाई कोर्ट जबलपुर में है लेकिन बेंच इसका इंदौर और ग्वालियर में। बेंच इसलिए बनाया गया है ताकि ताकि हम इनके जो प्रेशर है हाई कोर्ट पर जबलपुर पर उनको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट इज फर्स्ट गवर्नर, पहला राज्यपाल कौन था? मध्य प्रदेश का पहला राज्यपाल डॉक्टर पटाभी सीतारमैया थे। तो अगर मेल, ये मेल गवर्नर है, अगर आपसे फीमेल गवर्नर पूछा जाए तो सुश्री सरला ग्रेवाल जो सबसे लास्ट में, फर्स्ट वुमेन गवर्नर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी। द फर्स्ट स्टेट असेंबली स्पीकर, फर्स्ट स्टेट असेंबली स्पीकर इज पंडित कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे जी मध्य प्रदेश के सबसे पहले स्पीकर है। और नेक्स्ट फर्स्ट स्टेट असेंबली डिप्टी स्पीकर, तो फर्स्ट स्टेट असेंबली डिप्टी स्पीकर इज विष्णु विनायक सरवटे। आपको पता होगा कि विधानसभा असेंबली इन सबको एक मैन, एक चेयरपर्सन, चेयरमैन होता है जो क्या करता है कि उस पूरे विधानसभा को चलाता है। तो उनका कार्य होता है कि उसके पूरे संचालन करना, उसको डायरेक्ट करना, उसके लिए स्पीकर होते हैं। तो सबसे पहले स्पीकर पंडित कुंजीलाल दुबे थे और डिप्टी स्पीकर थे विष्णु विनायक सरवटे। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेट स्टेट असेंबली सीट रिजर्वेशन, तो जैसी व्यवस्था पार्लियामेंट में की गई है वैसे स्टेट्स में भी की गई है। शेड्यूल्ड कास्ट में 35 सीट्स रिजर्व हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 47। नाउ नेम ऑफ स्टेट फ्लावर, द साइंटिफिक नेम ऑफ स्टेट फ्लावर इज लिलियम मैकलिनी। ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि पिछले पार्ट, पिछले लेक्चर्स में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ मध्य प्रदेश, इट इज व्हाइट लिली। बट समटाइम्स द क्वेश्चंस आर हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द साइंटिफिक नेम, सो द साइंटिफिक नेम इज लिलियम मैकलिनी। और एक और क्वेश्चन था जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन मध्य प्रदेश? देयर आर प्रेजेंटली 52 डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। अर्लियर इट वर 51, पहले 51 थे, अब 52 हो गए हैं। अभी 52 यानी 52वां जिला निवाड़ी है। निवाड़ी कब बना? वो टीकमगढ़ से अलग होकर के बना है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी तहसील्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? देयर आर 373 तहसील्स इन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन से आएगा, आपको कवर अप करके चलना है। नेक्स्ट, जनपद पंचायत, जनपद पंचायत कितने हैं मध्य प्रदेश में? ये है 313 जनपद पंचायत है। ग्राम पंचायतों को मिला करके, गांव को मिला करके जनपद पंचायत का निर्माण होता है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत कितने हैं? आपको पता है कि 51, अभी हाल ही में 52 डिस्ट्रिक्ट बना है निवाड़ी, लेकिन अभी हम इसे काउंट ना करें। डिस्ट्रिक्ट जो पंचायत है, हर जिले में एक पंचायत होता है, एक तो टोटल हो गया 51 डिस्ट्रिक्ट पंचायत। आईजी पुलिस, देखिए आईजी जो पुलिस है ये सेकंड रैंक ऑफिसर होता है स्टेट का, इसको 2 स्टार मिलता है। वैसे स्टेट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, ये 2 स्टार ऑफिसर है, इसके जस्ट नीचे डीआईजी। तो आईजी पुलिस रेंज कितने हैं मध्य प्रदेश में? वो है 11। अगर डीआईजी का देखें, हाउ मेनी द डीआईजी पुलिस देयर आर देयर, सो डीआईजी में है 15। नेक्स्ट, कितने कंट्रोल रूम है? कंट्रोल रूम जहां से बहुत सारे मैसेजेस को ट्रांसफर किया जाता है, कंट्रोलिंग की जाती है। 2014 और 15 के मुताबिक देयर आर 53 कंट्रोल रूम्स। नेक्स्ट, द पुलिस स्टेशन, मध्य प्रदेश में पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है 2014 के 15 के आंकड़ों के हिसाब से? 1035 पुलिस स्टेशन है।
नगर पंचायत द सिटी काउंसिल ये कितने हैं? नगर पंचायत 264। मैं आपको बता दूं 1993 में अमेंडमेंट हुआ था 74th अमेंडमेंट और ये 12वीं शेड्यूल में जोड़ा गया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर पंचायत के बारे में। तो ये रख रखाव साफ सुथरा रखना, तो यहाँ पे सिटी काउंसिल भी बनाई गई है तो सिटी काउंसिल 264 है। विलेज पंचायत, हमारे यहाँ गांव बहुत सारे हैं, गांव की संख्या बहुत सारी, उस हिसाब से विलेज पंचायत भी बहुत सारे हैं। इट इज अबाउट 23,006 विलेज पंचायत है। नगर निगम कितने हैं? नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज एस्टैब्लिश ऑन दैट प्लेस वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख। सो देयर आर 16 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 16 नगर निगम है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक यू माय फ्रेंड्स। येट आई हैव कंप्लीटेड द पार्ट 4th ऑफ इंट्रोडक्शन टू मध्य प्रदेश। होप यू सो लाइक माय वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। Thank you for watching this video.